press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. भारत का जंगी जुनून बरकरार, दिफाई बजट आसमान से बातें करने लगा है। भारत ने दिफाई बजट में 161 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। भारत का दिफाई बजट 2741 अरब रुपए तक पहुंच गया है। इसी पर बात करेंगे दिफाई तजिया का तलत मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया तलत साहब आपके वक्त का। भारत का जंगी जुनून तो बढ़ता जा रहा है, 161 अरब रुपए का इजाफा कर दिया। जी, और इसमें मेरे ख्याल में तमाम खासतौर से अमेरिका और मगरबी दुनिया भी यही चाहते हैं कि वो चीन की वजह से और पाकिस्तान से, जाहिर है उसके लिए बड़े मुजर असरात होते हैं पाकिस्तान पर, लेकिन जो बहाना है और जो वो ये है कि हम चूंकि चीन से हमारा मुकाबला है और अमेरिका जो है उसकी पूरी मदद कर रहा है इंडिया की, तो इसलिए वो अपना जो है बजट जो है वो बढ़ाते चले जाते हैं। क्योंकि वो एक मस्नूई रियासत है जिसको बरतानवी साम्राज्य ने इस शक्ल में छोड़ा। अगर नेचुरल उस तरीके से होता तो भारत ये इतना बड़ा भारत ना होता बल्कि कुछ और होता और यहाँ पे ज्यादा रियासतें होती, क्योंकि भारत एक मस्नूई मुल्क है। अच्छा, दूसरी बात हमें बिल्कुल गौर करने की, देखें कि भारत का जो डिफेंस का बजट आउटले है वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। बिल्कुल, ये कोल्ड स्टार्ट, कोल्ड वॉर, कोल्ड स्टार्ट जैसी एक कहते ना एग्रेसिव फौजी, उसके ऊपर भी फलसफे में भी यकीन रखता है और उसको ये नाफिज करना चाहते हैं, यानी कि जंगी जुनून में भी मुब्तला है। अपने हर हमसाया मुल्क को ये डराना चाहते हैं, इसके हेजमिनिस्टिक डिजाइन हैं, इसके बारे में कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं, लेकिन उसके तजादात जो हैं और उसकी जो अपने मसाइल है उसकी वजह से ये वो चीज रोल अदा नहीं कर सकता जो नेहरू का ख्वाब था, जो उसने अपनी किताब डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कभी लिखा था कि वो भारत को देखना चाहते हैं 20वीं सदी में एक सुपर पावर की हैसियत से। ऐसा होता दिखाई नहीं देता। आप ये देखें कि इतना पैसा बजट का फौज पे खर्च करने के बावजूद अगर करप्शन का ये आलम है और वहां पर ये आलम है कि वो फोर्सेस जो भारत के हल्के से निकलना चाहती हैं, लगाई इन्होंने बिल्कुल अच्छी बात की जफर हिलाली साहब ने कि बात करते हैं जी सोशल फैब्रिक तबाह हो गया। भारत शुरू से ही एक हिंदू इंतहा पसंद रियासत है। वो जो नेहरू का सेकुलरिज्म था वो एक फरेब था और उस फरेब पे हमें और मेरे ख्याल में जो भी तारीख का अच्छा तालिब इल्म है उसको नहीं जाना चाहिए कि जी गांधी जी जिसको बहुत सारे लोग महात्मा कहते हैं और जिसको कायदे आजम मिस्टर गांधी कह के पुकारा करते थे, चाहे वो गांधी हो, चाहे वो नेहरू हो, चाहे उसके बाद के हुक्मरान हो, वो तमाम के तमाम जो थे उन्होंने हिंदू फंडामेंटलिस्ट उसको आगे बढ़ाया। और आज जो मोदी साहब आए उसने उस चीज को बिल्कुल बरहना कर दिया सबके सामने। कहने की बात यह है कि मैंने पूरा तकरीर इस आर्मी चीफ का सुना था शाजिया, इत्तेफाकन वो अवेलेबल है इंटरनेट पे, और उसके अल्फाज और एक्सप्रेशन जो थे ये कुछ मुख्तलिफ थे। ये वो धमकियां और दूसरा किस्म का जैसे मैंने फर्ज किया आपको गैर जरूरी बातें, ये आदमी बड़ा वरीड है। इसके एक्सप्रेशन से ये क्या हम समझ सकते हैं इस पे क्या हो रहा है। देखिए, वो कह रहा है कि हिंदुस्तान का सेक्युलर फैब्रिक जो है वो श्रेड कर रहा है। हाँ। साथ साथ वो कह रहा है, बेसिकली वो कह रहा है कि कश्मीर भी अभी एक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। और शाजिया, ये जो उसकी बातें हैं ये दोनों बड़े सच हैं, इसलिए कि मेरे ख्याल में हिंदुस्तान अब इतना ही हिंदू रिपब्लिक। लोग हैं जिस किस्म के हरकतें उन्होंने मिनोरिटीज के खिलाफ किया है, खासतौर मुसलमान, क्रिश्चियन और उनके अपने अनटचेबल्स, मेरे ख्याल में ये वाकई एक हिंदू रिपब्लिक बन गया है। और ये जो आर्मी चीफ है ये कह रहा है बेसिकली मेरे पास सिख हैं, मेरे पास कुछ मुसलमान हैं और हैं फौज में, ये सब लोगों को अगर मैंने कंट्रोल में रखना है, इन सब लोगों को अगर मैंने लीड करना है, तो मेहरबानी से इंडिया का सेक्युलर फैब्रिक जो है उसको ठीक करें, इसलिए इस वक्त वो ठीक नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जनरल साहब ने बड़ा अच्छा कहा है जो भी कहा, और मैं एक चीज पॉइंट करना चाहता हूँ जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2012 में मुझे बुलाया गया था स्वात ऑपरेशन के बाद, जाहिर है सिविलियंस को ऑपरेशन के वक्त तो नहीं आने देते, मगर बाद में, और मैं उधर रहा कोई 5-6 दिन। मैं बता नहीं सकता आपको ये जो यंग ऑफिसर्स हैं, हमारे जवान ऑफिसर्स और उनके लोगों में क्या या ये रापो है। और दूसरी चीज है शाजिया, रिमार्केबल, ये ऑफिसर्स सब जो है दे लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये कोई ऑफिसर नहीं है जो कहता है चार्ज और पीछे रह जाता है, वो आगे रहता है। और यू नो, इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैंने इस किस्म की क्या कहते हैं जोश और वलवला
ایک فوج میں پہلے بھی میں ایک زمانے میں میں ایسٹ پاکستان رائفلز کے ساتھ کچھ دوست تھا. سبسکرائب ٹو چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن فار دی لیٹسٹ اپڈیٹس. مگر اس وقت جو میں نے دیکھا ہے سوات کے آپریشن کے دوران, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اطمینان ہونا چاہیے ہمیں کہ ایسی فوج ہے جو ہماری حفاظت